This is an ABP Life podcast. 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन को शॉर्ट फॉर्म में WHO भी कहा जाता है। स्थापना के 2 साल बाद यानी 7 अप्रैल 1950 से वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाने लगा। इस साल की थीम हेल्थ फॉर ऑल यानी सभी के लिए स्वास्थ्य रखी गई है। खास बात यह है कि इस साल WHO अपनी 75th एनिवर्सरी भी मना रहा है। आखिर इस हेल्थ फॉर ऑल गोल को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं इस गोल को पूरा करने में, आखिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कौन कौन सी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जानेंगे आज इस मॉडर्न लाइफ में हेल्दी रहने के वो तौर तरीके जिन्हें आपने नजरअंदाज कर दिया है। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर लेकर के FII, जहाँ मेरे साथ में जुड़ चुके हैं डॉक्टर विशाल रस्तोगी हूँ। मैं फोर्टिस स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर कार्डियोलॉजी हूँ। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल जो वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए मैं आपसे लेना चाहूंगी वो यही कि हम फिटनेस बैंड बांध रहे हैं मगर सिर्फ फैशन के लिए। आपके हिसाब से वो कौन कौन सी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं जो आप रोजाना पेशेंट्स में देखते हो, नोटिस करते हो, जो हम अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं? बहुत अच्छी आपने बात कही कि फिटनेस बैंड ज्यादातर लोग फैशन के लिए बांधते हैं, और इनफैक्ट कुछ लोगों को तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है कि वो बार बार, कभी उनका हार्ट रेट फास्ट हो जाता है, कभी कोई नोटिफिकेशन आता है और वो उससे बार परेशान हो जाते हैं। बट ये एक फैशन की चीज नहीं है और इससे बड़े बेनिफिट्स हैं, और कम से कम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जागरूकता बनी रहती है। जब आप अपने स्टेप काउंट करते हो, जब आप अपनी सारी पूरी एक्टिविटी दिन भर की ट्रैक करते हो, तो उससे बड़ा फायदा होता है और ये लॉन्ग टर्म में हमारे बड़े काम की चीज है। अनफॉर्चुनेटली जो आपने बात कही कि हम क्या क्या गलत प्रैक्टिसेस करते हैं, तो वो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हमें समझ में आती है वो ये है कि आजकल के लोगों को कोई अपना स्केड्यूल नहीं है। सारी चीजें बहुत इरेगुलर हैं, चाहे वो अपने स्लीपिंग आवर्स हैं वो बहुत इरेगुलर हैं, हमारा ईटिंग टाइम और ईटिंग हैबिट्स भी बहुत इरेगुलर हैं, हमारा बहुत ज्यादा फोकस अपने वर्क और करियर पे है, और उसकी वजह से जब हमें खाली समय मिलता है तो हम एक बिंज पार्टीइंग कर लेते हैं जो कि लेट नाइट तक चलती है, उसकी वजह से हम अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते। तो ये सब चीजें जो हैं वो हमारे लाइफस्टाइल को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। जी, हेल्थ का ख्याल हमें रखना चाहिए ये तो हम जानते हैं। हम लोग जब भी कभी हेल्थ को लेकर कोई हमसे बातें करता है हमें वो बिल्कुल ज्ञान लग रहा होता है, तो हम जानते हैं कि हमें हेल्दी रहना है मगर जानकर भी अनजान बन जाते हैं। आप क्या नोटिस करते हैं कि किस उम्र के लोग ज्यादा अपना ख्याल नहीं रख रहे, क्या रीजंस हैं इसके पीछे? तो अगर मैं कहूँ कि किस उम्र के लोग, तो मैं कहूंगा कि ज्यादातर यंगर जनरेशन के लोग जो कि अपने वर्क प्रेशर की वजह से अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे। जानकारी सबको है, सबको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, लेकिन हर आदमी अपनी हेल्थ की जरूरतों को पोस्टपोन करता रहता है। वो ये सोचता है कि आज पहले मैं अपना करियर बिल्ड कर लूं, पहले अपना एक स्टेटस बना लूं, हेल्थ का ध्यान रखने के लिए मेरे पास प्रॉब्ली 70 साल की एज और 80 साल की एज में मैं रखूंगा, अभी मैं जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेरा वर्क है। इसके अलावा कुछ हद तक टीयर बी टाउन के लोग भी अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रख पाते क्योंकि उनको शायद उतनी अवेयरनेस नहीं है। अभी अभी नई नई रिसर्च होती हैं, लोगों के पास नए नए एफ्लुएंस, नए नए डिवाइसेस, नए नए गैजेट्स आ रहे होते हैं, टेलीविजन, OTT प्लेटफॉर्म्स, हर आदमी अब ज्यादा उसमें बिजी हो गया है, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाता, विच इज मोर कॉमन इन टीयर बी टाउन। बट जो अगर हम बड़े सिटीज की बात करें तो अवेयरनेस सबको है, लेकिन यंग जनरेशन बिकॉज ऑफ देयर वर्क प्रेशर दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। जी, अब लोग थोड़ा गंभीर हो गए हैं, स्पेशली यंगर जनरेशन भी काफी शॉक्ड है ये देखकर कि जो लोग हेल्थ रूटीन फॉलो करते हैं, जिम जा रहे हैं सब, उनमें भी हार्ट अटैक्स काफी बढ़ रहे हैं कम उम्र के लोगों में। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे दिल का ख्याल रखें आज की जिंदगी में? तो ये बात आपने बहुत सही कही कि यंग लोगों में हार्ट अटैक आ रहा है, और ये बातें रोज सुनने में आती है कि लोगों को जिम के अंदर हार्ट अटैक आ गया या रेसिंग ट्रैक पर हार्ट अटैक आ गया। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका रीजन है वो शायद ये है कि हम थोड़े जागरूक तो हो गए। कोविड टाइम में हर एक को ये पता लग गया कि भाई हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना चाहिए, और लोगों ने अचानक जिम हिट कर दिया विदाउट इवन प्रायर चेक कि क्या उनको हार्ट की डिजीज है, क्या वो इतनी एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने सीधे ही अपना वर्कआउट करना शुरू कर दिया। दिस लीड्स टू
जो अंदर उनके पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी वो फ्लेयर अप हो जाती है और उनको हार्ट अटैक हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा स्ट्रेस है वो बहुत हाई लेवल का है इस वक्त, चाहे लोगों ने अपने जॉब लूज करे हों, चाहे अपना लिविंग कम हो गई हो, और उसकी वजह से लाइफ स्टाइल भी अनहेल्दी हो गया है। आपने कुछ हद तक मैं कहूंगा कि कोविड का इन्फेक्शन भी इसके लिए ब्लेम करने के लिए है, क्योंकि बॉडी के अंदर एक प्रो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बनी हुई है, जिस कंडीशन में हमें जो है माइनर प्लाक्स जो होते थे जो कि नॉर्मली अटैक ना करते वो भी जो है रप्चर होकर के और हार्ट अटैक बन रहा है। तो ये बड़े सारे फैक्टर्स अब एक साथ इकट्ठे हो गए हैं जिसकी वजह से हमें यंग एमआईज मिल रहा है। लेकिन फिर भी सबसे इम्पोर्टेंट इसको बचाने का जो तरीका आपने पूछा वो मुझे लगता है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करके ही है, और हमें मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज का मतलब ये है कि ओवर डूइंग ऑफ एक्सरसाइज एंड अंडर डूइंग एक्सरसाइज दोनों डेंजरस हैं। अगर मैं मॉडरेट की बात करूं तो हमें 40 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक 4 times a वीक करना चाहिए। इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ माइल्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसके अंदर हम एरोबिक एक्सरसाइज करें और थोड़े बहुत थोड़े वेट से अपनी मसल बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइज करें, ये हमारे लिए हार्ट के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा जिम हिट करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि अपना एक बार हेल्थ चेकअप जरूर करा लें जिससे पता लग सके कि आप कितनी एक्सरसाइज कर सकते हो। बिल्कुल, हम मेडिकल टेस्ट भी डॉक्टर तभी कराते हैं जब हमारे सर पर समस्या आ जाए। तो वो कौन से टेस्ट हैं, मेडिकल चेकअप्स हैं, जो हमें समय समय पर कराते रहना चाहिए? जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो कैसे इन चेकअप्स को करवा सकते हैं? जो भी अगर मैं बात करूं हार्ट के लिहाज से, जनरल हेल्थ के लिहाज से, तो जो बीमारियां साइलेंटली हमारे शरीर को घेर लेती हैं और हमें पता नहीं लगता जब तक कि उनके बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स ना आ जाएं, तो ऐसी दो महत्वपूर्ण बीमारियां ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, और डायबिटीज हैं। ये हमारे शरीर में अंदर ही अंदर रहेंगी और हमें इसका पता नहीं चलेगा जब तक कि हम अलग से जाके चेक ना करें। तो इनका चेक करना तो बहुत ही आसान है। ब्लड प्रेशर चेक हर 6 महीने पे एक बार कराते रहना चाहिए अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, और अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो जैसा डॉक्टर एडवाइस करे वैसा करिए। साथ ही ब्लड शुगर की जाँच, जो कि बड़े सिंपल एक फिंगर प्रिक से बहुत सस्ते टेस्ट से हो जाती है, उसको भी हर 6-6 महीने पे चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो कि आपको बताएगी नहीं कि मुझे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर हो गया है। आपको कोई इसका सिम्टम भी नहीं होगा, आपको जो पहली बार पता चलेगा अगर आपने चेक नहीं कराया था, तो जब इनकी वजह से आपके ऑर्गन डैमेज होने शुरू हो गए या इनकी वजह से स्ट्रोक हो गया या किडनी फेल हो गई, तब पता चलेगा। इसलिए पहले से ही अगर हम इनको चेक करें और उनका ट्रीटमेंट करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि लिपिड प्रोफाइल जो है वो हर एक साल पे हमें कराते रहना चाहिए, जिससे कि हम अपना कोलेस्ट्रॉल का बिल्डअप और बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट बीमारियां उससे रिलेटेड हैं, स्ट्रोक की और हार्ट अटैक की, उनको प्रिवेंट कर सकें। अगर मैं हार्ट के लिहाज से स्पेसिफिक बात करूं तो स्ट्रेस टेस्ट होता है जिसको हम लोग TMT या स्ट्रेस इको की फॉर्म में करते हैं, जिसमें हम एक मशीन पे चल करके अपने हार्ट की एफिशिएंसी और हार्ट की ब्लॉकेज है या नहीं है ये चेक करते हैं। बहुत सिंपल टेस्ट है वो भी, वो हमें 2-3 साल में एक बार कराते रहना चाहिए अगर हमें कोई पहले से डिजीज नहीं है। अगर हमें पहले से डिजीज है या डिजीज किसी टेस्ट में आती है तो फिर हमें मेडिकल एडवाइस के हिसाब से ही टेस्ट कराने चाहिए। जहां तक बात है कि क्या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो क्या करें, तो मुझे लगता है कि ये जैसे ब्लड प्रेशर चेक कराना और ये जो ब्लड शुगर टेस्ट है ये बहुत ही सस्ते और सिंपल टेस्ट है जिनको कि बहुत आराम से हम लोग कभी भी करा सकते हैं। जी, WHO की इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है हेल्थ फॉर ऑल। आपके हिसाब से इस थीम को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? इस थीम को अचीव करने के लिए तो हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप इस तरह से अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को जानें और इस चीज को फॉलो करें, क्योंकि इसका केवल फायदा पता सबको है, लेकिन जब तक इस बात को रोज रीइंफोर्स न किया जाए मुझे अपनी हेल्थ फॉलो करनी, मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई हैव टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, जब तक हम ये बात ना समझें और ना जानें तब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो इसके लिए मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जाए और लोग उसको तभी समझ पाएंगे। जी, तो आपसे जानना चाहूंगी, बिकॉज आप तो रोजाना पेशेंट से घिरे रहते हैं, नोटिस करते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं इन बारे में, कि हमें आज के समय में इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमें किन बातों का ख्याल रखना है, किन चीजों से हमें दूर रहना है? अगर सबसे महत्वपूर्ण मैं बात एक कहूं तो वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग चाहे वो टोबैको किसी भी फॉर्म में हम यूज करें वो बहुत ही डेंजरस है पूरी हेल्थ के लिए, तो हमें स्मोकिंग और टोबैको का किसी भी फॉर्म में सेवन रोक देना है। इसके अलावा योगा और मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो कि हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखती है, और उस मेंटल हेल्थ को जब हम ठीक कर लेते हैं तो हमारी फिजिकल हेल्थ भी बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैंने कहा कि मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, जैसा कि जो है वो अगर हम ओवर एक्सरसाइज करेंगे वो भी खराब होगा, तो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज हमें जरूर करनी चाहिए, और इस तरीके से एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना के, अपने खान पीन का ध्यान रख के, हम लोग अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं।
बिल्कुल, चूंकि आपने स्मोकिंग की बात सबसे पहले करी, तो मैं यही जानना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे लोग जो स्मोकर्स हैं, अगर उनसे कहा जाए आप इस आदत को ना करें, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि ये जो आदतें हैं, जाने को तो कोई भी कभी भी जा सकता है, और बैठे बिठाए लोगों को कुछ भी हो जाता है। वो इस तरह के कुछ इररिलेवेंट तर्क देते हैं कि जितना जीना है सब जी जाएंगे, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कहना यह है कि एक अगर हम 2 सेकंड के मजे के लिए हम केवल स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उससे हमें 2 बातों का ध्यान रखना है कि एक तो हम अपनी सेहत को खराब कर रहे हैं, और दूसरा उस धुएं से हम अपने परिवार की सेहत को भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग इज इक्वली डेंजरस। जो हमारे आसपास हमारे बच्चे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जिन्होंने अभी तक स्मोकिंग शुरू नहीं करी, जिन्होंने अभी अपनी लाइफ जीना शुरू किया है, उनको इतनी यंग एज में हम लोग वो स्मोकिंग से एक्सपोज करा रहे हैं, उनको वो धुआं दे रहे हैं, तो उनके लिए भी वो उतना ही डेंजरस है। और ये तो प्रूव हो चुका है कि जब कभी भी हम स्मोकिंग करते हैं तो उससे हमारी ब्लॉकेजेस में तरह तरह के कैंसर्स और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसका पता ऐसे नहीं चलेगा कि एक अकेले आदमी ने स्मोकिंग की और उसको कुछ हुआ या नहीं हुआ, इसका पता कम्युनिटी स्टडीज से चलता है, और बड़ी बहुत ही एनफ डेटा इस बात पे मौजूद है, बहुत हमारे पास आजकल ऐसी रिसर्च हो चुकी है जिससे पता लगता है कि स्मोकिंग डायरेक्टली लिंक्ड है बहुत तरह के कैंसर से, और ये हमारी उन बीमारियों को होने के रिस्क को कई गुना बढ़ा देती है। ये 100% कहना इम्पॉसिबल है कि हर एक आदमी स्मोक करेगा तो उसको ये कैंसर या बीमारी हो ही जाएंगी, लेकिन उसको ये बीमारी होने के चांसेस नॉर्मल पब्लिक के मुकाबले कई गुना बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल साहब, आपके हिसाब से लोगों के लिए जो जरूरी बातें हों हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़ी जानना, बिकॉज नाउ आजकल हम लोग पैसे की होड़ में अपने आप को पीछे रखने लगे हैं, तो लास्टली आप जाते जाते आज वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, तभी आप दूसरों का ख्याल रख पाएंगे, तभी आप जिंदगी में बाकी चीजें अचीव कर पाएंगे। हमें पता है कि सेहत के बिना सब कुछ बेकार है, और इसके लिए जरूरी है कि हम एक अच्छा लाइफ हेल्दी स्केड्यूल बनाएं और उस स्केड्यूल को फॉलो करें। ये ना माने कि अभी मेरे पास बहुत वक्त है, अभी मैं कुछ सालों के बाद इस चीज को प्रैक्टिस करूंगा। हेल्थ की जो बीमारियां जो आनी शुरू होती हैं वो एक यंग एज से ही शुरू हो जाती हैं, और धीरे धीरे बढ़ करके वो 50 साल या 60 साल की एज में प्रकट होती हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हम तब उसको बचा सकते हैं, हमें उसको बचाना है तो हमें जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन देना पड़ेगा, और हमें अपनी सेहत का ध्यान खुद रखना है, जिसके लिए हमें आज ही से एक्टिव होना चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल जो और मेरे जहन में आता है और जो मैं आपसे जानना चाहूंगी वो यही कि कल ही मैं पढ़ रही थी एक रिसर्च के बारे में, जिसमें एक डॉक्टर ने रिसर्च करी और ये कहा है कि अगर आप, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोगों की डेस्क जॉब्स हैं, और अगर आप चेयर पर 2 घंटा बैठते हैं तो इट इज एज हार्मफुल एज स्मोकिंग अ सिगरेट। क्या आप इसके बारे में कोई जानकारी दे सकेंगे सर? ये बिल्कुल अभी ये मेयो क्लिनिक से ये स्लोगन आया था, वी सेड दैट सिटिंग इज स्मोकिंग, और उसमें ये रिसर्च से पता लगा था जो आपने बताया कि 2 घंटे बैठने पर आपको 1 सिगरेट के बराबर नुकसान होता है। और अगर हम अपने डेस्क जॉब की बात करें तो हमारा 8 घंटे से 10 घंटे रोज का बैठना हो ही जाता है, और उस पे बैठने से हम अपनी जिंदगी को उतना ही शॉर्टन कर लेते हैं जितना कि एक स्मोकर अपनी जिंदगी को करता है, या एक आदमी जो कि ओबीज है, मोटा है, वो अपनी उसकी जिंदगी जितनी शॉर्टन हो रही है बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए जरूरी यही है कि हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद में अपनी सीट से उठें और वॉक करें। अगर हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो आजकल तो सबके पास मोबाइल से ही बातें होती हैं, तो हम उन मोबाइल का प्रयोग करते वक्त टहलना शुरू कर दें, वॉक करना शुरू कर दें। अगर हमें कहीं अपने बिल्डिंग में कहीं ऊपर जाना है तो लिफ्ट की जगह हम सीढ़ियों का प्रयोग करें, और अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग या छोटी मोटी शॉपिंग के लिए कार का इस्तेमाल ना करके साइकिल या पैदल ही जाना प्रेफर करें, जिससे कि हम अपने बिजी लाइफस्टाइल में हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज को करते हुए भी अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर, एबीपी लाइव पॉडकास्ट को अपना समय देने के लिए। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।